नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास चर्चा में, जिसमें हम रिपोर्टर से जानते हैं उनके विधानसभा के हालात। एक एक दिन निकलना बेहद मुश्किल हो रहा है राजनीतिक पार्टियों के लिए, क्योंकि फूक फूक कर कदम रखने पड़ रहे हैं। किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये तो कहना अभी मुश्किल है, लेकिन जनता ने तय कर लिया है कि उसे अब कौन सा चेहरा मुख्यमंत्री के लिए चाहिए। ये जानने की हम भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर जा रही है आम जनता के बीच, और ये उनसे पूछ रही है कि आखिर उन्हें कौन पसंद है। क्या उन्हें सत्ताधारी पार्टी पसंद है, क्या उन्हें कांग्रेस पसंद है, या तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी पर इस बार जनता विचार करने की सोच रही है। तो ऐसे में आज हम पहुंचे हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश की तस्वीरें पहले आपको दिखाएंगे, उसके बाद यहां से मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर चुनावी माहौल वहां का क्या है और यहां की जनता आखिर क्या कहती है। तो फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, विकास उल्टा सीधा हुआ है। अगर आप कहें कि पूरी तरह से विकास हुआ है तो ये कहना सरासर नाइंसाफी होगी, क्योंकि सड़कें हैं, सड़कों में गड्ढे भी हैं और गड्ढों में पानी भी है, और पानी की वजह से कई बार होता है कि ये जो ई रिक्शा है या दुपहिया वाहन है वो पलट भी जाते हैं, क्योंकि जब बरसात होती है तो इन गड्ढों में पानी भर जाता है। ऐसे में जब यहाँ पर दुपहिया वाहन निकलते हैं तो उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि किस तरफ गड्ढे हैं और किस तरफ सड़कें ठीक है। हालांकि हल्द्वानी से भी हम कोशिश कर रहे थे कि आपको जनता के बीच ले जाएं, जनता से जानने की कोशिश करें, लेकिन हल्द्वानी से कुछ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो रही है, जिस वजह से हम हल्द्वानी ना जाकर सिर्फ और सिर्फ ऋषिकेश के हालात जो हैं वो आपको हम दिखाएंगे। ऋषिकेश का चुनावी माहौल हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ऋषिकेश से मेरे सहयोगी संजय शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय, सबसे पहले यही आपसे जानना चाहूंगी, चुनावी माहौल क्या है? जी हाँ, यहाँ पर जो चुनावी माहौल बहुत गर्माहट हो रखी है, चारों तरफ जो है पार्टियों ने अपने झंडे और बैनर लगा रखे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार परिवर्तन की बात की जा रही है। हर सभा जहाँ भी जाए वहाँ ये लोग एक ही शब्द बोल रहे हैं कि परिवर्तन चाहिए, और परिवर्तन का मतलब है कि भाजपा की वापसी। और जो यहाँ पर 15 साल से विधायक हैं और जो हमारे प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं जो स्पीकर भी थे, लेकिन उनके जो विकास की बात अगर करी जाए तो उनका जो विकास है वो सिर्फ गली मोहल्लों का ही रह गया था, और वो विकास तो कोई भी प्रधान या सभासद पार्षद कोई भी करा सकता था, लेकिन जो विकास असली होना चाहिए था, यहाँ रोजगार की दिक्कत है, पार्किंग की दिक्कत है और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो यहाँ पर होनी थी, लेकिन उन समस्याओं पर आज तक गौर नहीं किया गया। किस तरह की समस्याएं संजय यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि 15 साल से एक ही विधायक है, उसके बावजूद भी समस्या का निपटारा नहीं हो पा रहा है। यानी कि विधायक जी गद्दी पर तो बैठते हैं लेकिन जनता के बीच नहीं पहुंच पाते हैं, और ना ही वहां जाकर जनता के बीच उनसे बातचीत करते हैं कि उनकी समस्या क्या है। जी हाँ, ऐसा यहाँ का माहौल ऐसा है, कहने वाले तो इतना तक बोलते हैं कि जो हमारे विधायक है 15 साल से आ रखे हैं, जबकि वो रहने वाले तो पड़ोस में जो एक तो विधानसभा डोई वाला वहाँ के हैं, यहाँ उन्होंने मकान। इस बार जो है भारी व्यक्ति वाली बात भी आती है कि बाहर का व्यक्ति यहाँ पर विधायक ना बने, और जो कांग्रेस के हैं वो यहाँ के लोकल हैं और सामाजिक है, यहाँ के जो लोग हैं उनके दुख दर्द में काम आने वाले लोग हैं, तो इस बार जो है लोगों का मन बदलता था दिख रहा है, और जो लोगों की मन की बात है वो यही है कि जो पुराने विधायक हैं बहुत टाइम हो गया उनको, अब बदलाव की जरूरत है। जी, बदलाव की जरूरत है। और क्या चुनावी मुद्दे हैं ऋषिकेश में संजय? जी, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का जो पुराना शहर है और यहाँ जो सड़कें चौड़ी नहीं है, यहाँ पार्किंग की बहुत बड़ी दिक्कत है, और साथ ही जो यहाँ पर एक ट्रेचिंग ग्राउंड है वो शहर के बीचों बीच है, जिसको लेके काफी लोग परेशान है, वहाँ से बदबू भी आती है और बहुत बार वहाँ दुर्गंध के चांसेस भी रहते हैं, तो उस बात को लेके काफी लोग यहाँ परेशान है, और उस बात का जो एक मुद्दा बना दिया गया उस मुद्दे को लेके यहाँ के लोग मुखर हो रखे हैं, और इस बार वो चाहते हैं बिल्कुल। संजय देखिए, ऋषिकेश नाम सुनते ही आंखों के सामने एक बहुत सुंदर सा नजारा आता है, पहाड़ी क्षेत्र है, गंगा की धारा बह रही है, रिवर राफ्टिंग, तमाम चीजें, बॉनफायर, ये सारी चीजें, कैंपेन, ये सब वहां पर करते हैं लोग, और पर्यटन की अपार संभावना ऋषिकेश में बनी हुई है। हालांकि वहां पर
हर दिन हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन पर्यटन के लिहाज से और कितना विकसित ऋषिकेश होना चाहिए? वहां के जो लोग हैं, आम जनता है, वो क्या मांग करती है? वहां के जो व्यापारी हैं वो क्या कहते हैं? जो व्यवसाय चलाते हैं वो क्या कहते हैं? जो छोटे दुकानदार हैं वो क्या कह रहे हैं? जी हाँ, यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ट्रिपल इंजन है, जो निगम बना है वो निगम भी भाजपा के हाथ में, जो विधायक है वो भी भाजपा के हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी भाजपा की है। सबसे बड़ी बात है कि इन तीन जिलों के होने के बावजूद भी शहर में विकास के नाम पर कुछ नहीं है। तो लोग इस बार ये चाह रहे हैं कि जो यहाँ का जो क्षेत्र है, यहाँ पे सड़कें चौड़ी हो जाए, क्योंकि पर्यटन के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत कंजेस्टेड रहता है, जाम की स्थिति हमेशा बनी रहती है, तो इसलिए यहाँ पर सड़कें चौड़ी होने का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और लोग चाहते हैं कि जो लोग यहाँ पर वेंडिंग जोन बना रहे हैं, उन वेंडिंग जोन को प्रॉपरली शहर के एक क्षेत्र में बनाए, जहाँ पर सभी लोग जाके उन ठेली खोपचे वाले जो हैं उनके लिए एक अलग जगह बन जाए, जहाँ पर वो सुचारू रूप से अपना व्यवसाय कर सके। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं शहर में जिसको लेकर लोग परेशान हैं। व्यापारी लोगों का कहना है कि सड़कें जोड़ी जाएंगी और जो व्यापार होगा उनके लिए बहुत सुगम हो जाएगा, उनके लिए एक जो पार्किंग की व्यवस्था है वो पार्किंग अगर होगी तो लोग सड़क पे पैदल घूमेंगे, नहीं तो अभी लोग गाड़ी से आते हैं, गाड़ी से निकल जाते हैं, तो व्यापार में बहुत फर्क पड़ता है। और जो बाहरी लोग हैं, जो पर्यटक है, पर्यटक को ये सीजन के टाइम पे आउटर में दे देते हैं, बाईपास कर देते हैं, तो अंदर नहीं आ पाते, जिसकी वजह से व्यापार जो है इफेक्ट होता है। और उस बात को लेकर भी लोग काफी परेशान है, क्योंकि यहाँ परमानेंट राफ्टिंग, बंजी जंपिंग या ट्रैकिंग वगैरह यहाँ पर बहुत होते हैं, कैंपिंग होती है, तो उससे जो हमेशा वीकेंड पर यहाँ बहुत भीड़ रहती है और लोग जो है यहाँ पर आते हैं लेकिन शहर में नहीं घुस पाते। बिल्कुल ऋषिकेश में संजय कहा जा सकता है कि जाम एक बहुत बड़ी समस्या है, जैसा कि आपने भी बताया। इससे निजात दिलाने के लिए पार्किंग को लेकर बहुत बार जो आम जनता है वो कह चुकी है, और विधायक हो चाहे सांसद हो चाहे खुद मुख्यमंत्री हो, उनके पास लगातार गुहार लगाई जा रही है, बहुत सारे प्रार्थना पत्र लिखे गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ जगह ऐसी है जहां पर ऋषिकेश में पार्किंग की व्यवस्था उतनी दुरुस्त नहीं है जितनी दुरुस्त होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें कि जैसा कि ऋषिकेश के नाम से ही ये दिखाई देता है कि ये पर्यटक क्षेत्र है और लाखों की संख्या में पर्यटन यहाँ पहुंचते हैं, तो ऐसे में जब लॉकडाउन हुआ और फिर जब कोरोना काल था, तो ऐसे में व्यवसायियों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जो होटल कारोबारी हैं उनको भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा जो ट्रैवल एजेंसी के लोग हैं, जिनकी टैक्सियां चलती हैं, गाड़ियां चलती हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान हुए थे। ऐसे में उन्होंने मांग की थी कि उनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। तो इस लिहाज से अगर चुनावों की तरफ हम देखें तो ये लोग आखिर क्या कहते हैं? यहाँ पर जो की मेन व्यवसाय चारधाम यात्रा का है, जो यहाँ गाड़ियाँ हैं लगभग 2500-3000 बसें हैं जो हमेशा चारधाम पे चलती है, और उनकी एक मांग थी कि जो कोरोना काल में चारधाम यात्रा रोकी गई थी, तो उसके लिए जो गाड़ी फिटनेस करी या उनके जो इंश्योरेंस हुए वो दो बार खराब हो गए जिसका कोई यूज नहीं हुआ। उन्होंने सरकार से डिमांड करी थी कि हमारी गाड़ियाँ जो है उसके लिए टैक्स माफ किया जाए या इंश्योरेंस में कमी करी जाए। तो जिस तरह की बातें यहाँ पर लोगों ने उठाई है, बहुत लोग परेशान थे, उनको कहा कि जो हमारे कर्मचारी है, ड्राइवर है, कंडक्टर है, उनके लिए 10,000 रुपए का पैकेज दिया जाए। तो सरकार ने कुछ लोगों को माफ किया, 3-3 महीने का टैक्स वगैरह माफ करने के बाद एक फॉर्मेलिटी पूरी करके उसको किनारे कर दिया, जबकि ऐसा नहीं है। उसमें बसें भी हैं, यहाँ टैक्सियां भी हैं, रिक्शाएं भी हैं, टेम्पो भी है, सभी तरह की गाड़ियां था जिनको मेरे ख्याल 10% का ही बेनिफिट मिला है। बिल्कुल संजय, इसके अलावा अगर ऋषिकेश की हम बात करें तो यहाँ का युवा क्या कहता है? देखिए बहुत सारी खबरें आती हैं, आप भी हमारे पास खबरें भेजते हैं, ऋषिकेश में जो युवा है वो नशे की तरफ बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है, इसको लेकर वहां की आवाम क्या कह रही है? इसकी रोकथाम जल्द से जल्द होनी चाहिए। ऐसे में सरकार पर भरोसा किया था, 3 चेहरे बदले गए हैं बीजेपी के मुख्यमंत्री के, अब धामी हैं, धामी पर क्या विश्वास जताने की तैयारी आम जनता ने की है? जी हाँ, यहाँ पर जो है 3 मुख्यमंत्रियों को व्यवसाय मिला, पहले मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, दूसरे थे तीरथ सिंह रावत, और तीसरे जो थे ये धामी जी हैं। लेकिन क्या है कि धामी जी जैसे बने इनको टाइम मिला 5 महीने का, बिल्कुल, तो 4-5 महीने में जो उन्होंने कुछ नहीं करा, उन्होंने सिर्फ घोषणाएं करी, और घोषणा वीर के नाम से उनको संबोधित किया जाता है यहाँ पे, और घोषणाएं पूरी करने के लिए
काम जो है वो कराना भी पड़ता है, उनको स्टार्ट भी करना पड़ता है, लेकिन यहाँ कोई नहीं हुआ। और रही बात बेरोजगारी की, तो इस क्षेत्र में जो लोकल लोग हैं उनके लिए रोजगार यही है कि वो अपनी दुकान कर लें, कोई गाड़ी खेल लें, या फिर वो राफ्टिंग के व्यवसाय में चले जाए। लेकिन क्या है कि वहाँ भी इस वक्त बहुत भीड़ हो गई है और वहाँ भी काम नहीं मिल रहा है, तो इसलिए लोग बाहर जा रहे हैं। जो पलायन है यहाँ पहाड़ों पे, उस पहाड़ों पलायन पलायन को रोकने के लिए ना तो सीएम ने कुछ किया, ना ही वहाँ के क्षेत्रीय विधायकों ने कुछ किया। लेकिन अभी जो यहाँ का मेन मुद्दा है बेरोजगारी, और बेरोजगारी के लिए लोग परेशान है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई मुंबई जा रहा है, और ज्यादातर पहाड़ के लोग होटल व्यवसाय में है और वो जाके होटलों में या तो कुक बनते हैं या अन्य कोई काम करते हैं। तो इस तरह से वो लोग घर से दूर रहते हैं, और जो उनके गांव के घर है वो हमेशा खाली रहते हैं और वहाँ पर कोई भी काम नहीं हो पाता। तो इसी बात को लेकर सरकार ने इनके लिए बोला भी था कि हम कुछ करेंगे, लेकिन समय की अवधि समझ लीजिए कम है, या सरकार की मंशा ऐसी है कि वो इस विषय में कुछ करना नहीं चाहती। ठीक है संजय, आपने बताया कि धामी जी को यहाँ पर घोषणावीर के नाम से जानते हैं और इसी नाम से उन्हें संबोधित करते हैं, लेकिन उन पर ज्यादा जनता जो है विश्वास जता रही है, उनको लगता है कि युवा चेहरा है तो विकास की गति जो है वो तेजी के साथ आगे बढ़ेगी, क्योंकि उन्हें समय नहीं मिल पाया विकास करने का या कामकाज करने का, उतना समय नहीं मिल पाया है। तो क्या आम जनता मन बना रही है शिकेश की कि एक मौका दिया जाए धामी जी को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक कहावत है पूछ के पाव पालने में दिख जाते हैं। तो इसी तरह की लोगों की जो बात है उन्हें पता है कि ये सिर्फ घोषणा करती है और जो मुद्दे के काम है उसको हमेशा टालती रहती है, क्योंकि पिछले 5 साल में सरकार के करे हुए कामों को अगर कोई गिनवा दे तो बहुत बड़ी बात होगी। सरकार ने बिल्कुल भी लोकल लोगों के लिए या पूरे प्रदेश की जनता के लिए ना के बराबर काम किए, सिर्फ अपने मतलब के काम करे हैं, जो तो जनता के सामने विकल्प क्या है? देखिए सत्ताधारी पार्टी को यहाँ पर नहीं पसंद कर रही आम जनता ऋषिकेश में, तो जनता के सामने विकल्प कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बचे हैं या कोई निर्दलीय है जिस पर विश्वास जताने की कोशिश ऋषिकेश की जनता कर रही है? यहाँ पर सिर्फ एक ही बात है कि हरीश रावत को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि जब यानी कांग्रेस पर विश्वास जताने की तैयारी यहाँ पर हो रही है। जब हरीश रावत थे तब उन्होंने यहाँ पर विकास किया था, यहाँ पर बहुत सी चीजें जो उस टाइम शुरू करी गई थी वो आज तक बंद पड़ी हैं। और क्योंकि ये पर्यटन क्षेत्र है और यहाँ पर्यटन को लेके काफी सरकार करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं किया गया। बहुत सी ऐसी जगह है जो खाली पड़ी है अभी तक, जिनका कोई सही यूज नहीं हुआ। जो पर्यटन के लिए अगर चाहते तो एक अच्छा सोर्सेस बनता था इनकम का, राजस्व वहाँ से इकट्ठा किया जा सकता था, लेकिन इस बात को लेकर सरकार ने बिल्कुल नहीं किया, सिर्फ वादे किए हैं और वादे 5 साल में खत्म हो गए हैं। अब सरकार जो है लोग बदलने के मूड में है कि सरकार को बदलें, और जो इस क्षेत्र में कुछ शेडगुल वगैरह या ऐसे कुछ बना जिसकी वजह से यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार मिले। जो लोग हरिद्वार शेडगुल में जाते हैं काम करने वो अब यहीं रहें और यही काम करें, अपने परिवार में रहें। तो इस तरह की जो लोगों की सोच है वो बदलती जा रही है, क्योंकि अब सबसे बड़ी बात यह कि जो सेंटर ने महंगाई करी है उस बात को लेके काफी खफा है लोग। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, या अन्य गैस हो गई, या अन्य खाने की जो सामान है उन सबको लेके लोग काफी। संजय यानी ऋषिकेश में जो आम मुद्दे हैं वो ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे आम जनता से जुड़े हैं, चाहे वो पेट्रोल डीजल के दाम हो, चाहे वो खाने पीने के सामान महंगे होने हो, चाहे वो यहाँ पर बेरोजगारी हो, चाहे वो जाम की समस्या हो। यानी कि ऋषिकेश की जनता ये चाहती है कि भले ही आप बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे क्षेत्र में आइए और यहाँ की जो जन समस्याएं हैं, जो आम समस्याएं हैं, उनका निपटारा कीजिए, तभी आप हमारे लिए उपयोगी हैं। जी हाँ, यहाँ पर जो है लोग इससे मन बना चुके हैं कि जो यहाँ के पूर्व विधायक है, जो हमारे वर्तमान में जो विधायक है, जो स्पीकर भी है, उनके लिए इस वक्त लोगों के मन में एक खासा रोष है और वो परिवर्तन चाहते हैं। जो यहाँ का लोकल पार्षद वो है, विधायक है, तो जो उसको बनाया जाए, उसको जिता जाए, वो कांग्रेस का है। बिल्कुल संजय, लेकिन इन सब बातों से ये साफ जाहिर होता है कि 15 साल भले ही यहाँ पर एक ही विधायक रहे हों, लेकिन अब जनता परिवर्तन की राह पर आगे बढ़ना चाहती है और ये चाहती है कि
विश्वास जो है उस पार्टी पर जताया जाए जो हमारे लिए काम कर रही है। लेकिन इससे साफ होता है कि ऋषिकेश में कांग्रेस को आम जनता पसंद कर रही है। अब देखना होगा 10 मार्च को कि नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और ये बताने के लिए कि आखिर ऋषिकेश की जनता के मन में क्या है। तो हमने जाना ऋषिकेश की जनता कांग्रेस पर दाव खेलने की तैयारी कर रही है, लेकिन हम 10 मार्च का इंतजार करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ऋषिकेश में किसकी जीत होती है और किसकी हार। फिलहाल फिर इतना ही, कल फिर लौटेंगे अलग अलग विधानसभाओं के साथ, उनसे जानेंगे कि उनके विधानसभा का क्या हाल है। फिलहाल के लिए इतना ही।